हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अब पिछली वीडियो से हमने जाना कि मैजेस्टिक 12 ने प्रोफेसर हाइनेक को उनके काम के पैसे देकर रिसर्च में किसी भी तरह के क्रेडिट देने की बात से इनकार कर दिया और ये बात प्रोफेसर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब प्रोफेसर अपने घर जाते हैं तो कैप्टन उन्हें फोन करके जाँच को आगे जारी रखने के लिए कहता है और इसी दौरान उनकी फोन लाइन को टैप किया जाता है। आइए अब जानते हैं आगे। इसके बाद मैजेस्टिक 12 के लोग एक सीक्रेट फैसिलिटी पर जाते हैं जहां पर उन्होंने उस सारे सामान को इकट्ठा एक जगह रखा था जो उन्होंने एलियन साइट से बरामद किया था। और जो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी वो ये कि उस सामान में एक स्पेसशिप भी मौजूद था। अब क्या ये स्पेसशिप कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था या ये वाकई में ही एक दूसरे ग्रह से आया हुआ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था। अब एक रात को लबक टेक्सास में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में एक आदमी अपनी रूटीन ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था, तभी उसे किसी अजीब चीज के आसपास के स्पेस में होने का एहसास होता है और अचानक से धीरे धीरे पूरे शहर की लाइट चली जाती है और वो अपने टावर से एक वी शेप के आकार में उड़ती हुई उड़न तस्तरियों के झुंड को देखता है। वो अपनी गाड़ी से उस चीज का पीछा करता है। आप यकीन नहीं करोगे कि उस अजीब सी चीज से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड ने उसकी गाड़ी को कागज की तरह मरोड़ दिया। प्रोफेसर हाइनेक बताते हैं कि थर्मल स्ट्रेन इस तरह के टेंसाइल स्ट्रेस को पैदा कर सकती है, पर अगर ये इलेक्ट्रिकल है तो इसे एग्जैक्ट राइट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होना असंभव है। अब जिस आदमी के साथ ये घटना घटी थी उसे देखने के लिए प्रोफेसर हाइनेक और एयरफोर्स कैप्टन हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और इस समय कोमा में है। अब लोकल शेरिफ प्रोफेसर हाइनेक और एयरफोर्स कैप्टन को कहते हैं कि पिछली रात की घटना के बारे में और जानकारी के लिए आप टेक्सास की टेक्निकल यूनिवर्सिटी चले जाएं, क्योंकि पिछली रात यूनिवर्सिटी एक फंक्शन हो रहा था और अगर ये घटना सच में घटी है तो वहाँ पर इसे बहुत से लोगों ने देखा होगा। हो सकता है आपको आपके काम की कोई जानकारी वहाँ पर मिल जाए। अब प्रोफेसर हाइनेक और एयरफोर्स कैप्टन यूनिवर्सिटी में जाके उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इस घटना को देखा था। वो हर एक से इंडिविजुअली सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर प्रोफेसर हाइनेक अपनी कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि तभी एक दूसरे प्रोफेसर वहाँ पर आकर कहते हैं कि आप सब लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल रात को जो भी घटना घटी है मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है और मैंने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। ये और कुछ नहीं बल्कि प्लवर्स थे। अभी प्लवर्स और कुछ नहीं बल्कि पानी पर तैरने वाली चिड़िया है जिसके नीचे का शरीर सफेद रंग का और चिकना होता है, जिस पे अगर रोशनी डाली जाए तो वो एक बल्ब की तरह चमकती है। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर पूरे शहर की लाइट एक साथ क्यों चली गई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के उस कर्मचारी के साथ क्या हुआ या कैसे हुआ, इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। अब वहाँ से निकलने के बाद प्रोफेसर हाइनेक एयरफोर्स कैप्टन से कहते हैं कि हमें कुछ दिन इस जगह पर रुक के और जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्यों ना हम रात में इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पीछा करें, अगर ये हमें कहीं दिखेगा तो शायद इसके पीछे हम कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। एयरफोर्स कैप्टन उनकी बात पर राजी हो जाता है और रात में उनकी गाड़ी के ऊपर से सेम शेप का अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का ग्रुप बहुत तेज रफ्तार में गुजरता है और इस दौरान एयरफोर्स कैप्टन गाड़ी के अंदर बैठा था और तभी गाड़ी के सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। अब अगले दिन एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर एक लोकल रेडियो स्टेशन को खुद के द्वारा पब्लिश की गई किताब से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है और उसके लेक्चर के खत्म होते ही जैसे ही वो रेडियो टावर ऑफिस से बाहर आता है मैजेस्टिक 12 के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे एक अनजानी जगह पर ले जाकर उसके सर पर बंदूक तानकर उसे ये कहा जाता है कि वो अब से पब्लिक के बीच में वही बातें कहेगा और लिखेगा जैसा उसे करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि कमाल की बात ये थी कि उड़न तस्तरियों की इस नई घटना के बारे में मैजेस्टिक 12 बहुत अच्छे से जानता था। उन्हें सारी चीजों की बिल्कुल सटीक जानकारी थी कि आखिर ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, और अब उनकी मजबूरी बन गई थी कि वो ये सारे राज प्रोफेसर हाइनेक को बताएं। तो क्या थे वो राज जो मैजेस्टिक 12 ने प्रोफेसर हाइनेक को बताए थे, जानेंगे ये सब कुछ इसी पार्ट में। चिंता मत करो अभी वीडियो बाकी है। मैजेस्टिक 12 के मेंबर्स प्रोफेसर हाइनेक को बताते हैं कि उन्होंने जो चीज भी आसमान में देखी है, जो भी रेडार रिपोर्ट्स देखे हैं, वो सारे बिल्कुल सही हैं और ये और कुछ नहीं बल्कि एयर फोर्स का एक सीक्रेट मिशन है जिसमें वो एक ऐसे प्लेन पर काम कर रहे हैं जो इस समय US गवर्नमेंट की अपमोस्ट प्रायोरिटी है, जिसका नाम रखा गया है वी विंग, और जिस UFO के पीछे तुम गली गली भटक रहे हो ये और कुछ नहीं बल्कि यही एयरक्राफ्ट है। और इस चीज को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो साइंस में एक्सपर्ट हो और ऐसी बातें बनाने में माहिर हो जो लोगों की नजरों को सरकार के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट से दूर रख सके। इसके बाद
बाद प्रोफेसर हाइनेक पूछते हैं, आखिर ये किस तरह का एयरक्राफ्ट था जिसने पूरे शहर की लाइट को गुल कर दिया? इतनी पावरफुल कोई चीज कैसे हो सकती है? अब इसके बाद प्रोफेसर हाइनेक से कहा जाता है, इस चीज से आपका कोई भी मतलब नहीं है, आप बस लोगों का ध्यान भटकाइए और अपने काम के पैसे लीजिए। अब अगले दिन प्रोफेसर और कैप्टन एक किसान से मिलते हैं जो ये कहता है कि उसने अपने खेतों के ऊपर किसी चीज को उड़ते हुए देखा था जिसका साइज बहुत बड़ा था। अब कैप्टन प्रोफेसर से कहता है कि पास ही यूएस गवर्नमेंट की एक सीक्रेट रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी है, हो ना हो जरूर इस किसान ने किसी रॉकेट को ही देखा होगा। लेकिन प्रोफेसर हाइनेक को इस बात से तसल्ली नहीं होती और वो उस जगह के फोटो खींचने लगते हैं और तभी उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां पर बहुत अजीब से पैटर्न बने हुए थे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि यूएस गवर्नमेंट चुपचाप लोगों पर आउटर स्पेस के पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी। अब यहां पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं। रिसेंटली मुझे यूएस कोर्ट रूम की एक वीडियो हाथ लगी जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने कन्फेस किया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एविडेंसेस हाथ लगे हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि उस वीडियो में कोई भी डिटेल तो नहीं दी गई, पर ये बात एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। इसके आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।